आईपीएल से गायब हो गई है ये पांच टीमें। एक ने तो जीता था खिताब, जानिए कब और कैसे इनका मिट गया नाम। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ था और अब उसका 17वां सीजन जारी है। 8 टीमों से आईपीएल का सफर शुरू हुआ था और अब 10 टीमें इसका हिस्सा है, लेकिन 16 सीजन के दौरान 5 टीमें ऐसी रही है जो आईपीएल से गायब हो गई। इनमें से एक टीम ने तो खिताब ही जीता था, लेकिन वह भी अब टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। बाकी 4 टीमों में से एक ने फाइनल भी खेला था तो एक ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। आईपीएल इतिहास का हिस्सा बन चुकी 2 टीमों का बुरा हाल रहा और ये दोनों कभी प्लेऑफ में नहीं जा सकी और बहुत कम समय में ही गायब हो गई। आईपीएल 2024 शुरू हो गया है और इसी के बीच आप जानिए आईपीएल से बुलाई जा चुकी इन 5 टीमों के बारे में, आखिर ये आईपीएल से कैसे गायब हो गई। नंबर 1, डेक्कन चार्जर्स। यह आईपीएल की शुरुआती टीमों में से एक थी। 2008 से 2012 तक वह आईपीएल का हिस्सा रही। इस दौरान उसने 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में खिताब भी जीता था। रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी, वीवीएस लक्ष्मण, एंड्रू साइमंड्स, अर्सल गिब्स, सामिंडावास जैसे नाम इस टीम का हिस्सा रहे। 2008 में पहले सीजन में टीम का बुरा हाल रहा, लेकिन 2009 में खिताब जीतने के बाद वह 2010 में भी प्लेऑफ में पहुंची थी। इसके बाद 2011 और 2012 में वह पिछड़ी टीमों में रही। इस टीम का मालिकाना हक डेक्कन क्रॉनिकल ग्रुप के पास था। पैसों की तंगी के चलते इसने 2012 के सीजन के बाद टीम को बेचने का फैसला किया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। इस बीच बीसीसीआई ने उसे टर्मिनेट कर नए सिरे से टीम के अधिकार बेचे। इससे सनराइजर हैदराबाद की एंट्री हुई। नंबर 2, पुणे इंडिया। सहारा ग्रुप ने 2011 में पुणे फ्रेंचाइजी के अधिकार हासिल किए। यह तब सबसे महंगी आईपीएल टीम थी। पहले इसका नाम सहारा पुणे वॉरियर्स रखा गया। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद इसे पुणे वॉरियर्स इंडिया कर दिया गया। युवराज सिंह, आशीष नेहरा, सौरव गांगुली, मनीष पांडे, रोबिन उथप्पा, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ जैसे सितारे इस टीम में खेले। इस टीम के मालिकों की बीसीसीआई से पटरी नहीं बैठी। 2011 में पहले साल में टीम 9वें नंबर पर रही। 2012 के सीजन से पहले पुणे वॉरियर्स ने हटने का ऐलान कर दिया। उसने ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लंबी बातचीत से मामला सुलझाया गया। 2013 के सीजन के बाद फिर से यह फ्रेंचाइजी हट गई और इस बार अंतिम फैसला रहा। इस तरह 3 साल में ही इसका सफर समाप्त हो गया। टीम कभी भी 8वें स्थान से ऊपर ना जा सकी। नंबर 3, कोची टर्कस केरला। कई कंपनियों ने मिलकर कोची फ्रेंचाइजी का स्वामित्व हासिल किया, लेकिन इस टीम का सफर एक ही सीजन के बाद खत्म हो गया। महिला जयवर्धन, रविंद्र जडेजा, मुथैया मुरलीधरन, आरपी सिंह और ब्रेडन मैकुलम जैसे नाम इस टीम में शामिल थे। टीम 10 टीमों में 8वें नंबर पर रही। हालांकि पैसों के भुगतान जैसे मसलों को लेकर बीसीसीआई ने एक सीजन बाद इस फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद काफी कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन यह फ्रेंचाइजी वापस आईपीएल में ना आ सकी। नंबर 4, गुजरात लॉयंस। इस टीम ने आईपीएल के 2 सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स की जगह भरी। आईपीएल 2013 स्पोर्ट्स फिक्सिंग में राजस्थान रॉयल्स के सस्पेंड होने पर अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी इंटेक्स कंपनी ने हासिल की। टीम में सुरेश रैना, ड्वेन ब्रेवो, रविंद्र जडेजा, एरोन फिंच, ईशान किशन, ब्रेंडन मैकुलम जैसे बड़े नाम शामिल थे। टीम 2016 में पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रही, लेकिन प्ले ऑफ में हार गई। 2017 में 14 में से 4 मैचों में ही इसे जीत मिली। इसके बाद राजस्थान की वापसी हो गई और लॉयंस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। नंबर 5, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। चेन्नई सुपर किंग्स की जगह पुणे की फ्रेंचाइजी आईपीएल में शामिल रही। इसका मालिकाना हक आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप के पास रहा। एमएस धोनी, आर अश्विन, फाफ डुप्लेसिस, अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा रहे। 2016 में धोनी कप्तान रहे, लेकिन टीम अंक तालिका में 7वें नंबर पर रही। अगले सीजन में धोनी से कप्तानी ले ली गई और स्टीव स्मिथ को कप्तानी दे दी गई। टीम फाइनल तक गई, लेकिन 1 रन से मुंबई से हार गई। तो दोस्तों, इस तरह ये 5 टीमें थी जो आईपीएल से गायब हो गई।